हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बैंगन का भरता बनाना दिखा रहे हैं। बैंगन का भरता बनाने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले जीरे की ज़रूरत पड़ेगी, और मसाले के अंदर हम मसाला कुछ यूज़ नहीं करते, सिंपल वे में बनाते हैं, क्योंकि हमारे घर पे मसाले बहुत ही कम यूज़ होते हैं। तो हमने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर लिया है, यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें नमक लिया है, प्याज हमने काट लिए हैं, टमाटर काटे, टमाटर के अंदर हमने मिर्च डाल लिया अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे हमारे बच्चे खाते हैं, हमारे पेरेंट्स खाते हैं। यहाँ पर हमने भरते बैंगन को काट लिया है, यहाँ पे हमने छील के काटा हुआ है, आप चाहे तो भून के भी डाल सकते हैं, पर हमने यहाँ पे जैसे एक सब्जी को काटते हैं उस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में हमने छील के इसको काट लिया है। आइए अब आपको हम तड़का लगाना बता रहे हैं, हम बैंगन का तड़का कैसे लगाएं। इसके तड़के में हम सबसे पहले जीरा डालेंगे, जीरा चटकने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। यहाँ पे गाइस हमारा जीरा चटक गया है, फिर हम इसमें यहाँ पे प्याज डाल रहे हैं, प्याज को अच्छे से पकाएंगे। हमारी प्याज पक जाने के बाद हम इसके अंदर जो हमने धनिया पाउडर, हल्दी लिया था वो डालेंगे। देखिए गाइस, हमारी जो प्याज है सुनहरे कलर की हो चुकी है, अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं होते हैं, तो हम कभी कभी ही मसाले का यूज़ करते हैं, जैसे हमें पनीर वगैरह कुछ बनाना हो उस टाइप की सब्ज़ी में हमें मसाले ऐड करते हैं। अदरवाइज सिंपल वाली सब्ज़ी में जो हमारे डेली यूज में सब्ज़ी बनती है उनमें हम मसाले ऐड नहीं करते, क्योंकि मसाले वाली सब्ज़ी हमारे घर में कम ही लोग खाते हैं। गाइस मसाले इसमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब इसके अंदर हम डालेंगे कटे हुए टमाटर, उनके साथ मिर्ची हमने काट ली थी, अब इनको हम मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे नमक डाल दिया है। फिर नमक डालने के बाद हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद इसको कुछ देर के लिए हम ढक के रख देंगे, इसको हम ढक देंगे यहाँ पर। गाइस इसको बीच बीच में हमें चलाते रहना है ताकि हमारा जो छोक है वो जले ना। आइए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारे मसाले पके हैं। गाइस हमारे जो मसाले हैं बिल्कुल ही पक के रेडी हो चुके हैं, अब हम इसके अंदर डालते हैं अपना बैंगन जो हमने काट कर पहले से रख लिया था। इसको डालने के बाद इसको बिल्कुल अच्छे से यहाँ से मिक्स करते हुए सारे मसाले मिला देने हैं, बिल्कुल मिक्स करते हुए। देखिए गाइस हमने इन मसालों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है अपने भरते के अंदर, तोरी बैंगन के अंदर, और अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये भरता कैसे बनेगा। देखिए हमने इसको जो पीसेस में कट किया है हम इसको एक मैशर की मदद से थोड़ी देर बाद मैश कर लेंगे। अभी हमने इस मसाले को सारे को मिक्स कर दिया है, अभी इसको हम 5 मिनट्स के लिए ढक के रख देंगे, और ढकने के बाद ऐसे ढकने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए रखेंगे। 5 मिनट बाद हम इसको देखेंगे हटा के, और फिर इसको एक बार चला के देखेंगे, अगर हमें लगेगा थोड़ा मॉइस्चर आ गया है, इसमें थोड़ी नमी आ गई है, फिर हम एक मैशर की मदद से इसको हल्का सा मैश करेंगे। मैश करने के बाद इसको फिर से हम ढक के रख देंगे, जैसे अभी हमने रख दिया, बाकी का हम दिखाते हैं प्रोसेस आपको। जब हम इसको हटा के देखते हैं ढक्कन को, हमारा ये मैश होने के लिए रेडी हो चुका है। अब गाइस को हिलाते हुए अब एक मैशर की मदद से इसको कैसे मैश करेंगे, मैशर की मदद से इसको ऐसे मैश करेंगे। अरे बहुत अच्छे से मैश हो रहा है, देखिए को मैश करने के बाद गाइस एक बार हमें और ढक के रखना है इसको, अच्छे से ऐसे ही करते हुए मैश कर लेना है मैशर की मदद से। देखिए गाइस हमने इसको कितने अच्छे से मैश कर लिया है, और इसको एक बार हम और ढक के रखेंगे, उस ढकने के बाद इसको ये बिल्कुल ही अच्छे से मैश हो जाएगा। इसको एक बार और ही मैश करना है, सिर्फ 2 या 3 मिनट इसको ढकेंगे, ढकने के बाद इसको फिर मैश करेंगे एक बार। देख लेते हैं हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हुई है कि नहीं। देखिए इसका टेक्सचर भी कितना अच्छा हो गया है, और अब हमें इसको दोबारा मैश करने की ज़रूरत भी नहीं है, हमारा भुट्टा काफ़ी अच्छा बन गया है। गाइस वीडियो को अब यहीं पे ऑफ करते हैं, और आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गाइस हमारा जो ये भुट्टा है बिल्कुल बनके अब रेडी हो चुका है,
गाइज़ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड रिलेटिव्स में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।